हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड चिकन मैट्रिक्स में। दोस्तों 100 के शतक नामक जो एपिसोड हमारा चल रहा है उसमें आज हम 31वां वीडियो लेकर के आए हैं। 31st वीडियो हमारा है ये 31st वीडियो जो आपको नंबर सिस्टम से संबंधित है। नंबर सिस्टम में आपने देखिए यह अद्भुत प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। 4-5 प्रश्न बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और सेकंडों में आप हल करना कर पाएंगे। ठीक है, सेकंडों में आप हल कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए लिखे हैं हम कि मैथ का डर छू मंतर, मैथ का डर खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ से आप रेगुलर देखें हमारे वीडियो को, 100 का शतक नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें 30 वीडियो हमने पहले से अपलोड कर चुका है। आप देखें मैथमेटिक्स का, जीके का भी कई वीडियो हमने बनाया है। देखिए फटाफट अंदाज में आपको हम ले चलते हैं, यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे 2 सेकंड नहीं लगेगा और प्रश्न आप हल कर पाएंगे, वैसा तरीका से बताएंगे। पहला देखिए, यदि 4 के पावर 23 को 5 से भाग दिया जाए, 4 के पावर 23 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दूसरा है 7 के पावर 38 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। और भी इससे जटिल प्रॉब्लम आगे देंगे आपको। तो पहले ये देखिए, इसमें दो टाइप से आते हैं दोस्तों। एक तो आता है समघात वाला और एक आता है आपको विषम घात वाला। किस कौन सा? विषम घात वाला। देखिए सम घात में क्या होता है, आपको बस दो ही चीज़ याद रखने हैं, या तो 2 नहीं तो 4। सम 2 से शुरू होता है ना, 2 4, और विषम में याद रखना है या तो 1 नहीं तो 3। बस इतना ही याद रखिए, बात खत्म हो जाएगा। अब कहिएगा सर कैसे याद रखें, जरा देखिए इस चीज़ को, इससे इसकी क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर घात क्या है दोस्तों, यह 23 है, और 23 कैसी संख्या होता है, विषम संख्या होता है। नहीं तो या तो आपको 1 रखना है, नहीं तो यहां पर 3 रखना है। अब यहां पर 1 रखने से क्या होगा, देखिए 1 रखेंगे और भाग लगाना है 5 से, बराबर। देखिए यहां अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, यह 4 छोटा पड़ जाएगा, 5 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए रखेंगे कितना, 3 रख देंगे। या तो 1 रखना है, नहीं तो 3 रखना है, यह बात तो तय है, दो ही चीज में 1 रखना है। अब यहाँ देखिए 4 पावर क्यू में यहाँ 5 से भाग दीजिएगा, ये 4 पावर क्यू मतलब 64 भागा 5 से भाग दीजिएगा, 12 बार में लगेगा और 4 शेष बच जाएगा, आपका आंसर आ गया, 4 शेष बच गया। यहाँ देखिए ना, इसको देखिए 7 के पावर 38 है, 8 से भाग लगाना है, कितना से 38 क्या है, सम संख्या है, सम में क्या याद रखना है, 2 या 4। तो पहले 7 के पावर 2 में भाग लगाना किस से, 8 से, बिल्कुल 7 पावर 2 बड़ा हो जाएगा 8 से, नहीं 7 पावर 2 मतलब 49 में 8 वाला ये 8 6 48, 1 आपका शेष बच जाएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया। अब देखिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा इससे अलग करके। ठीक है, देखिए अलग करके लेते हैं, जैसे कि ये है आपका, समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों, तो थोड़ा सा आप अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, कम से कम 2 ग्रुप में दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। इससे बेहतरीन प्रत्येक दिन आपको हम वीडियो उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो कम से कम उपलब्ध जरूर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और बहुत ही जबरदस्त छोटा छोटा वीडियो होगा, एकदम छोटा, इतना छोटा कि आप कल्पना नहीं कीजिएगा, इतना छोटा में और जबरदस्त ट्रिक आपको सिखाएंगे। अब यहां देखिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्या ले लें, तो मान लीजिए कि आपको ले लेते हैं 7 के पावर ले लेते हैं, मान लीजिए 100, और इसको भाग लगा देते हैं 15 से, वही 7 है, 7 के पावर क्या ले देते हैं, 100, और भाग लगा देते हैं 15 से। अब देखिए यहाँ क्या है आपका, और एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइप चेंज कर लेते हैं। देखिए 9 के पावर जैसे 100 ले लेते हैं, और मान लीजिए घटा देते हैं 15 को, ठीक है, कितना ले लिए, 9 के पावर 100 है, -15, और इसमें भाग लगाना है किससे, तो फिर 15 से भाग लगाना है। ठीक है, फिर 15 से भाग लगाना है, इसको आप अलग रखिए अभी, पहले इसको देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, घात देखना, सिर्फ घात कितना है दोस्तों, 100 घात है, 100 का कितना, सम घात हुआ, सम का क्या करेंगे, या तो 2 ना तो 4, 2 लीजिए, 9 के पावर रखेंगे यहाँ 2, 9 पावर 2 -15, 9वां कितना होता है, 81 -15 कितना आएगा दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा, और भाग आपको कितना से लगाना है, 15 से, 15 चौके कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, बच क्या गया, 6 शेष बच गया आपका, शेष बचा क्या नहीं, 6, यही आपका आंसर आ गया फटाक से। कोई दूसरा एक और थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए जैसे कोई बड़ा क्या ले लें, तो ये ले लेते हैं, देखिए जैसे 49 है, 49 के पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें जोड़ भी देते हैं, मान लीजिए 2, या 49 के पावर 25 ले लेते हैं, ठीक है, और 2 जोड़ लेते हैं, क्या कर लें, 49 के पावर 25
प्लस दो और इसमें भाग लगा दीजिए किससे, तो कुछ भी संख्या लीजिए, 12 13 15 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए। तरीका सीखिए, तरीका सेम होना चाहिए। लीजिए अब यहाँ क्या है, 25 क्या है, विषम संख्या है। विषम के लिए क्या लेना है, या तो एक नहीं तो तीन। आप 49 के पावर क्या कर लीजिए, एक करके देखिए, प्लस दो कर लीजिए और भाग लगाना है 12 से। पहले ये नहीं, ये अलग रखना है, ठीक है। ये नहीं जो सर भाग का अगर हम चिन्ह दे दिए तो पहले भाग क्रिया करिए, ऐसा नहीं, इसको पहले हल कर लेना। 49 पावर एक मतलब 49 हो गया, प्लस दो यानी 51 भाग लगाइए 12 से, 12 चौक कितना होता है 48, यानी बच कितना गया आपको, तीन शेष बच गया, तीन आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम होंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। बस यही हम आपसे आशा रखेंगे, यही अपेक्षा रखेंगे कि अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।